चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। 10 के जीके जिस के डोज में आप सबों विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 10 प्रश्नों का शानदार रिवीजन कर रहे हैं। आज फिर 10 प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने एम चक्रवर्ती। तो चले पहला क्वेश्चन आपको है आज, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिए, आप जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सबको अपने नाम के साथ अटेंडेंस लगा दीजिए। ये आप लोगों से समझिए कि मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जितने भी जुड़ते हैं, जितने भी आप चैनल को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी आप अपना अटेंडेंस लगा दें, ठीक है? कुछ मैसेज अपने नाम से कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप में, जिससे पता चल सके कि आप कौन कौन बच्चे इसे देखते हैं, लाइक करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांति पत्र काल को संपादन किसने किया था, है ना? पूछेगा क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था, तो प्राणजय किए थे। कौन किए थे? प्राणजय। फिर से, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांति पत्र काल का संपादन किसने किया था, तो प्राणजय ने किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की रखी थी, तो अहमदाबाद मीर मजदूर के समर्थन में। अहमदाबाद मीर मजदूर हैं जो हड़ताल कर दिए थे, उन्हीं के समर्थन में पहला बार महात्मा गांधी 1918 में भूख हड़ताल करते हैं। 1918 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मील मजदूरों के समर्थन में कुछ बोनस वगैरह के मांग को लेकर सवारे हुए थे, हड़ताल किए हुए थे, उसी के लिए महात्मा गांधी 1918 में पहली बार भूख हड़ताल रखे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था, कब से कब तक चला? तो प्रथम लोकसभा चला था 7 अप्रैल 1952 से, 7 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक, 4 अप्रैल 1957 तक। प्रथम लोकसभा चला 7 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। और ध्यान दीजिएगा, प्रथम लोकसभा या आम चुनाव पूछेगा 1951-52, प्रथम लोकसभा या आम चुनाव 1951-52। अब पहला लोकसभा जो गठित हुआ था और कब से कब तक चला, तो 7 अप्रैल 1952 से पहली तारीख थी 4 अप्रैल 1957 तक। किस संविधान संशोधन द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन। की संविधान संशोधन द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया, 101वां संविधान संशोधन। पूछेगा कब लागू किया गया जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। और जीएसटी का एक संपूर्ण वीडियो, जीएसटी से तमाम प्रश्नों को लेकर वीडियो बना हुआ है, आप जो भी बच्चे चाहें तो प्लेलिस्ट से जाकर जीएसटी का टॉपिक आप निकाल कर देख सकते हैं, या टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े हुए होंगे तो वहां से आप देखिएगा, टेलीग्राम पर इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर जीएसटी को सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित हुआ, तो 18 अक्टूबर 2010 को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित हुआ, तो 18 अक्टूबर 2010 को। इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, कोई भी आप पॉकेट डब्बा बंद सामान लेते हैं तो उस पर देखेंगे एक इको मार्क, जो पर्यावरण मित्र बात को दर्शाता है कि वो पर्यावरण का मित्र है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, ठीक है ना। इको मार्क एक टैग दिया रहता है, वो पत्र कौन देता है, तब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1991 से। पूछेगा इको मार्क प्रमाण पत्र कौन देता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1991 से। हरित विकास पुस्तक के लेखक, तो W.M. Adams। हरित विकास पुस्तक के लेखक पूछेगा W.M. Adams। किस पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दिया गया था, ठीक है ना, किस पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई, तो एन जी टांसले 1935 ईस्वी, एन जी टांसले 1935 ईस्वी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश किससे माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश किससे माना जाता है, तो भूटान को। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश किससे माना गया, तो भूटान को माना गया। तो बच्चों, 10 प्रश्नों का शानदार रिवीजन आप लोगों का रहा, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझोगे। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस लगा लीजिए, तो मिलते हैं कल 10 प्रश्नों के फिर साथ 10 के डोज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।